हालत है और इस दौर में तो बहुत और हालत ऐसी है कि जब हम आपका जैसे मन आ रहा है वैसे आप अपने तरीके से ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, अपने तरीके से एक के बाद एक बिल ला रहे हैं, लैंड एक्विजिशन ले आए हैं आप। सिर्फ आपने अपने भीतर चर्चा की है, एक लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे जिसमें देश भर की पार्टियों को हम सब लोगों ने मिलकर के बनाया था। अब आप ये ला रहे हो जो अभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, गुलाम नबी जी बोले और आपके रामगोपाल जी बोले, इस देश के गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग, उनने क्या गुनाह किया श्रीमान? उनको तो आप इस साइंस और टेक्नोलॉजी और सारा साइंस की जो एवोल्यूशन और एडवांस हो गया है उसका लाभ देश के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा आपने, जिसको अभी रामगोपाल जी बोल रहे थे। यानी आप अपने देश के लोगों की जो खास करके मेहनत कश लोग हैं उनके बारे में आपकी सोच हजार साल से जैसी थी आज बदली नहीं है, उनके बारे में कभी नहीं सोचा आपने। एनआरआई के मामले में भी आप बहस होगी तो सिर्फ यूरोप अमेरिका में लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है। आपका जो घाटी के क्या कहते हैं आपके वेस्टर्न एशिया के लोग हैं, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, वो कितना आपको विदेशी आपका जो किटी है उसमें कितना पैसा डाल, फॉरेन एक्सचेंज कितना डालते हैं? और बालियार रवि जी बैठे, मगर जो वेस्टर्न एशिया है उससे कितना, क्यों? वो इंसान नहीं है, वो वोटर नहीं हो सकते। मैं कहना चाहता हूं कि वो गरीब लोग हैं, भाषा और बोली नहीं जानते। इस देश की एक फांसी बनी हुई भाषा, जो दूसरे लोग गए हैं, जो बाहर गए, इस देश में करोड़ों लोगों का खून पसीने की कमाई पर पढ़ के गए, विदेश में गए हैं, वो लोग जो हैं वो यहाँ के पैसे पर पैसे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इस देश को छोड़ के चले गए। और हमको देखिए, हम किनकी तरफ हम देखते हैं, किनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, किनके प्रति हमारी, और ये बाजू हो चाहिए बाजू। बाल्या रवि जी बैठे हैं, ये वेस्टर्न एशिया है श्रीमान, आपका शोभा तो उसकी संपन्नता में एक बड़ा हाथ तो आपके मिडिल ईस्ट का कभी मैंने नहीं सुना इस देश में। उनकी जिंदगी कैसी, अभी तबाही हो रही उसकी, वो सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए हम जहाज बेच देते बस। आप जो हैं ये नहीं श्रीमान, ये मतलब आप कैबिनेट में फैसला कर लिए, ये अभी आ रहा है, ये जो अभी रामगोपाल जी कह रहे थे, शर्मजीत आप नहीं, ये सबसे ज्यादा घपले का खेल हो रहा है, ये ऐसा मत करिए, इसे रोकिए। आपने बहुत से बज लिया है, बहुत से कानून बना लिए बैर पूछे, ऐसा मत करिए। एक सीमा है लोगों की इस मर्यादा में खड़े होकर बोलने की, कहने की। आप इस तरह से करना चाहते हैं, कंक्लूड कीजिए कि जिन लोगों ने इस देश की संपत्ति और संपदा का इस्तेमाल करके जो बाहर गए हैं, और मैं नहीं मानता कि वो इस देश के गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक वोट देंगे, वो इनको ही वोट देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं उनके लिए कि वोट इनको देंगे वो, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसको रोकिए और इसको बतलाइए, बैठ के बात करिए, बैठ के बात करिए, बैठ के बात करिए, बैठ के बात करिए, हम और भी आपका आपका सोच है, ओके प्लीज, कोशिश करेंगे कि ठीक बात चली जाए। चाहे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर देखिए, आप पंजाब के अंदर देखिए कि एग्रीकल्चर वर्कर तो अब सब बाहर से आता, और ये आप परंपरा पूरे हिंदुस्तान में जी गई। कश्मीर के अंदर आप देखिए तो आपको कोई वर्कर नहीं मिलेगा बिल्डिंग बनाने का, त्रिखान का, मेसन का, मजदूर का, यही तकरीबन स्थिति हिंदुस्तान के हर स्टेट में। तो ये प्रपोजल कई दफा आया।